तो इस लेक्चर में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट वन है एमओडी का, उसका 34 और 35 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था, ये 33 है और ये 34 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं 33 नंबर को। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि सर हमको जो गिवन है ना, वो तो ट्रिगो है, तो आप ट्रिगो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos x माइनस sin x, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में है आपका cos x प्लस sin x। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम कोशिश करते हैं टेन में बनाने का। ये जो कॉस साइन दिया हुआ है, इसको हम किस में बनाने का कोशिश करते हैं, टेन में। अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा बनाते हैं। तो कभी भी ट्रिगो अगर दिया हुआ रहे डिफ्रेंशिएशन में, तो पहले उसको हम लोग छोटा बनाते हैं। तो उसमें हम एक तरीका आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको वन लाना है इस प्लेस पर। तो इस प्लेस से वन तभी आएगा ना, जब सबको हम किससे डिवाइड करेंगे, cos x से। अगर हम cos x से सबको डिवाइड कर देंगे सबको, तो मेरे पास ऐसा फोटो आएगा y इक्वल टू cos x बाय cos x, वन हो जाएगा, माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स। फिर बताए थे यहाँ पे दो टर्म होना चाहिए। अब मान के चलिए a दिया हुआ है, आपको दो टर्म बनाना है, वो भी प्रोडक्ट में, दो टर्म बनाना है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट के लिए, गुना के लिए या भाग के लिए सबसे खूबसूरत नंबर मैथ में वन होता है, तो वन इंटू ए लिख सकते हैं। अरे ए को आप वन इंटू ए लिख सकते हैं, इससे क्या हुआ, ये दो टर्म बन गया प्रोडक्ट में। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स, और नीचे में वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, ये हो गया। अभी तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ आपका वन है, इसको छोड़ के उस वन के जगह पे आप टेन पाई बाई फोर रखें, क्योंकि टेन 45 का वैल्यू वन होता है। अब हम लोग काम ये करते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू टेन 45 माइनस टेन एक्स, और नीचे में आपका हो जाएगा वन प्लस टेन 45 और इंटू टेन एक्स। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से, तो क्या इसको आप इसको अगर आप a बोलिएगा और इसको अगर आप b बोलिएगा, तो ये भी a हो जाएगा और ये भी आपका b हो जाएगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। हाँ सर, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, इसको लिखा जा सकता है। तो कहीं भी अगर ये फोटो आपको दिखाई देता है, तो आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो y बराबर आपका आया टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब जाके इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy वाई बाई डी एक्स, टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो टेन का डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर पाई बाई फोर अब माइनस एक्स, और पाई बाई फोर का जीरो और माइनस वन, क्योंकि माइनस एक्स का माइनस वन होगा। तो अब ये बताइए, हमको ये प्रूव करना है, ये वाली बात को प्रूव करनी है, कोई बात नहीं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा वाई वाई
इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय फोर अब माइनस एक्स, ये वाई नहीं डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और चूंकि वाई बराबर कितना है, यहाँ पे देखा जाए ये जो माइनस है माइनस वन ये आगे आ जाएगा, और y बराबर कितना दिया हुआ है, तो y बराबर दिया हुआ है टेन पाई बाई फोर और माइनस एक्स, ये y बराबर दिया हुआ है। ठीक, तो अब ये बताइए sec स्क्वायर, हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर डब्बा को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर डब्बा लिखा जा सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर डब्बा और माइनस टेन स्क्वायर डब्बा इक्वल टू वन होता है। तो ये माइनस को हम इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो गया। अब ये बताइए ये सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स को क्या आप लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई फोर अब माइनस एक्स। अब देखा जाए ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, इस साइड आएगा तो प्लस होगा और यहाँ क्या बचेगा जीरो वन। अब देखा जाए टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स वाई है तो क्या इसको आप वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। और यही आपको प्रूफ भी करना था, देखिए यही आपको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी, ये जो फोटो आपको दिख रहा है इस फोटो को आपको टेन में लिखना था और फिर डिफ्रेंशिएट करना था। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है आपके सामने, देखिए ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू टेन पाई बाई फोर अब प्लस x, डायरेक्ट लिख सकते हैं यानी पहले इसको लिखें या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई फोर अब प्लस एक्स, पाई बाई फोर का जीरो और एक्स का वन। तो आपके सामने है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई फोर और प्लस एक्स, हैंस प्रूफ। अगर कोई भी आप लोग को डाउट होता है प्रैक्टिस सेट में तो व्हाट्सएप पे आप उस क्वेश्चन को सेंड करें, उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके बाय बाय, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को बनाते रहिए क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कोई